अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है खड़े मसाले का कीमा। इसके लिए हमने 350 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब हमने कीमा लिया है। 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 2 अदद हमने प्याज लिए जिसे हमने चॉप कर, 4 अदद हमने मिर्च, 8 से 10 अदद जो है हमने साबुत मिर्ची ली थी इसको हमने हाथ से तोड़ लिया है, और 1 चमचा जो है जीरा है इसको भी हमने कूट लिया है साबुत, सॉरी ये साबुत धनिया है, जीरा। अच्छा, 1 चमचा हमने जो है जीरा ले लिया है, 1 चमचा हमने नमक लिया है, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगे और 1 बड़ी इलायची, और थोड़ी सी हमने हल्दी ले ली है। चार, हाँ, 5 6 जवे जो है लहसुन के हैं इसे भी हमने काट लिया है। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट। देखिए, में हमने कीमा डाल दिया है और तमाम मसाले भी डाल देंगे। ये हमने तमाम मसाले जो है कीमे में शामिल कर दिए हैं। 1 चमचा जो है हम ऑयल डाल देंगे इसमें। तब हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। पहले आप टेस्ट करेंगे, जब इसमें भाप आ जाएगी तो हम दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे। कीमा हमारा अच्छी तरीके से जो है गल चुका है, ये भुनने पे आ गया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। तकरीबन हमने जो है 150 ग्राम दही लिया है। अब हम इसे भून लेंगे। दूसरी तरफ हमारी खीर बन रही है, खीर की तैयारी कर रहे हैं हम। साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची डाल देंगे और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। जब हमने कीमा पकने को रखा था तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर जो है ये कीमा हमारा जो है ना बन के तैयार हुआ। तो सब ये भुनने पे आ चुका है। अब हम इसे निकालेंगे, ऊपर से अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया सब गार्निशिंग करेंगे और खाएंगे हम मज़े से बैठ के। और तमाम मेरे देखने वाले जो हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। वीवर्स, मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा तैयार है। आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।